सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस फोन प्रो वाले आईफोन 12 स्मार्टफोन के कैमरे का रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा 0.5x वाला जूम है और यहाँ पे 1x पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कैमरा आखिरकार कैसा है इस फोन का और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कैसी फोकसिंग है, फ्रंट कैमरा कैसा वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और वीडियो अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वाला नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, वहां पे मैं डायरेक्टली आपको स्विच कर दूंगा एक वीडियो। फोन काफी अच्छा है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, तो कोई भी दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। बस बैटरी ड्रेनिंग हमें देखने को मिल रही है। आगे हम लाने वाले इसका फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों इसका फोकस चेक करते हैं कि फोकस ये कैसा काम कर रहा है इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम हाथ लगाते हैं तो फोकस तो काफी अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, तुरंत ही हमारे हाथ को ये डिटेक्ट करता है और तुरंत ही पीछे हमारे सिल्वर प्ले बटन पे भी चला जाता है। और वहीं पे अगर हम स्मार्टफोन वाले बॉक्स पे भी करते हैं तो भी यहाँ पे फोकसिंग काफी अच्छे से काम कर रही है। और कैसी क्लियरिटी आ रही है आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। और ओवरऑल चारों तरफ का व्यू हम लेते हैं यहाँ पे 1x वाले जूम पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरीके से इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। वहीं पे 0.5x पे अब हम करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होकर आता है, जैसे सराउंडिंग पार्ट आता है वैसे बिल्कुल राउंड होते हुए आता है। और अभी आप ये जो आवाज सुन रहे हैं, सारे के सारी जो आवाज है वो इसी फोन से ली जा रही है और कोई भी माइक यूज नहीं किया गया है, केवल इसमें हम फोन का ही जो माइक्रोफोन है वो यूज कर रहे हैं। अब हम इसका लेने वाले हैं स्लोमो शॉट और इसका टाइम लैप्स शॉट, दिखाते हैं हम आपको कैसा ये वर्क करता है। और ये है भाई लोग हमारा सेल्फी कैमरा, कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसमें पहले जब हमने अपडेट नहीं किया था तो यहाँ पे 0.5x वाला जूम आ जाता था, लेकिन जैसे ही हमने जो iOS वर्जन 17.0.3 है इसको अपडेट किया है, तब से इसमें 0.5x वाला जो जूम है वो चला गया है। डायरेक्टली वो केवल एक ही जूम पे काम करता है, लेकिन जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटो के समय वो आ जाता है 0.5x, उसके बाद 1x भी आ जाता है। तो अगर आपको 0.5x वाला जूम भी चाहिए वीडियो क्वालिटी में फ्रंट वाले कैमरे से, तो आपको जो है इस फोन को अपडेट नहीं करना है, iOS 16.2 पे अपडेट कर लेना है या उससे ऊपर वाले पे अपडेट कर लेना है, 17 पे नहीं करना है।